सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के रूप में वेंकैया नायडू का एक साल पूरा होने पर उनकी किताब का विमोचन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के साथ बिताए दिनों को याद किया। मोदी ने कहा कि अटल जी वेंकैया नायडू जी को मंत्रालय देना चाहते थे। तब नायडू जी ने कहा, मैं ग्रामीण विकास मंत्री बनना चाहता हूं। मोदी ने आगे कहा कि नायडू दिल से किसान हैं। उन्होंने किसानों की भलाई और कृषि के लिए खुद को समर्पित किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा, वेंकैया जी ने टीम के साथ काम करना सिखाया। वो पदभार से ज्यादा कार्यभार पर जोर देते हैं। वेंकैया जी के बारे में सुनकर हमें काफी गर्व होता है। वे अनुशासन का पालन करने वाले हैं। वह कभी घड़ी, कलम और पैसे नहीं रखते हैं। घड़ी न रखने पर भी वेंकैया जी हर कार्यक्रम में समय पर पहुंचते हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वेंकैया नायडू की तारीफ में कसीदे पढ़े। मनमोहन ने कहा कि वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति, राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के दफ्तर में काम किया है। यह उनके एक साल के अनुभव में काफी हद तक दिखता है, लेकिन उनका बेस्ट अभी आना बाकी है। मनमोहन ने शायराना अंदाज में कहा कि जैसे एक कवि ने कहा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। 245 पृष्ठों और 7 अध्याय वाली किताब मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस के विमोचन कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली मौजूद रहे। नायडू ने इस किताब में राज्यसभा सभापति के रूप में अपने एक साल के कार्यकाल का वर्णन किया है। इसके अलावा में इसमें न्यू इंडिया मिशन का भी जिक्र किया है। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने अनुभव के बारे में बताते हुए नायडू ने पुस्तक में कहा कि यह कठिन चुनौतियों और असीमित अवसरों का समय है। उसमें क्या क्षमता है, क्या विशेषता है, वो ज्यादा किसी के ध्यान में नहीं आती है। और सदस्यों की का सामर्थ्य क्या है, सदस्यों के विचार क्या है, वो फोरफ्रंट में रहते हैं। लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो सिर्फ चेयर पर जो व्यक्ति रहते हैं उसी पर ध्यान रहता है। वो कैसे डिसिप्लिन ला रहे हैं, कैसे सबको रोक रहे हैं। और इसलिए देश को भी गत वर्ष वेंकैया जी को निकट से देखने का सौभाग्य मिला है। अगर सदन ठीक से चला होता तो शायद वो सौभाग्य न मिलता। वेंकैया जी के साथ सालों से काम करने का अवसर मिला और हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति से पले बड़े हैं कि जब मैं राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था वे आंध्र के महासचिव होते थे, और जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैं उनकी सहायता में एक महासचिव बनकर काम कर रहा था। यानी एक प्रकार से टीम में कैसे काम किया जाता है, दायित्व कोई भी हो, जिम्मेवारियां कभी कम नहीं होती है। पदभार से ज्यादा महत्व कार्यभार का, और उसी को लेकर के वेंकैया जी चलते रहे। अभी बताया गया कि वेंकैया जी ने एक साल में सभी राज्यों में भ्रमण किया, एक छूट गया। लेकिन वो इसलिए नहीं छूट गया कि कार्यक्रम नहीं बना था, हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया, वेदर ने परेशान कर दिया वरना वो भी हो जाता। हम संगठन में काम करते थे, कभी मीटिंग करके निकलते थे तो, और कभी विचार आता था कि उनको जरा कांटेक्ट करें, बात करें, तो पता चल जाता था वो तो निकल गए, केरल पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, आंध्र पहुंच गए। यानी लगातार जब भी जो दायित्व मिला उसके लिए उस दायित्व को निभाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना, उसके लिए आवश्यक परिश्रम करना और उस अपने आप को उस दायित्व अनुरूप ढालना, और उसी का परिणाम है कि वो सफलताएं प्राप्त करते रहें और उस क्षेत्र को भी सफल बनाते रहे हैं। 50 साल का सार्वजनिक जीवन कम नहीं होता है। 10 साल
सार्वजनिक जीवन विद्यार्थी के नाते, वो भी एक एक्टिविस्ट के रूप में, और 40 साल सीधा सीधा राजनीतिक जीवन, और 50 साल के इस लंबे कार्यकाल में खुद ने भी बहुत सीखा, साथियों को भी बहुत कुछ सिखाया, और हम लोग उनके एक साथी के रूप में काम कर रहे हैं। कभी कभी किसी के साथ इतना निकट काम करते हैं, इतना निकट काम करते हैं कि उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जानना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी से 10 फुट दूर खड़े हैं तो पता चलता है, लेकिन अगर गले लगा करके बैठे हैं तो पता ही नहीं चलता कि, यानी हम इतने निकट रहे हैं कि अंदाज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब सबसे सुनते हैं कि हमारे एक साथी में ये सामर्थ्य है, ये गुण है, तो इतना गर्व होता है, इतना आनंद होता है कि हमें ऐसे महानुभाव के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला है। यह अपने आप में बहुत बड़ा गर्व होता है। वेंकैया जी डिसिप्लिन के बड़े आग्रही हैं, और हमारा देश की स्थिति ऐसी है कि डिसिप्लिन को अनडेमोक्रेटिक कह देना आजकल सरल हो गया है। कोई थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आग्रह करे, मर गया वो, ऑटोक्रेट है, पता नहीं, सारी डिक्शनरी खोल देते हैं। लेकिन वेंकैया जी जिस डिसिप्लिन के आग्रही, उस डिसिप्लिन को खुद भी पालन करते हैं। वेंकैया जी के साथ कभी दौरा करना हो तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। एक, वो कभी घड़ी नहीं रखते, कलम नहीं होती उनके पास, पेन नहीं होती है, और पैसे नहीं होते कभी, यानी आप उनके साथ गए तो समझ लीजिए कि आपके पास को होना चाहिए। और मजा ये है जी, कभी घड़ी नहीं रखते लेकिन कार्यक्रम में समय पर पहुंचने के इतने डिसिप्लिन है, वो काबिले दाद है। बहुत समय पर जाना, समय पर कार्यक्रम में, और अगर समय पर कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ फिर आप उनको मंच पर देखिए कैसे वो इतने अनइजी हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि बस आप जल्दी करो भाई। यानी डिसिप्लिन उनके यानी स्वभाव में है, और उसी के कारण है कि वो जब भी जो दायित्व तो मिला तो उसमें हमेशा एक विजन के साथ काम करना, उसके लिए एक रोड मैप बनाना, एक्शन प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, और उसके लिए संसाधन जुटा करके योग्य व्यक्तियों को जोड़ करके उसको सफल बनाना, ये पूरा एक उनका होलिस्टिक व्यू रहता है। जब पहली बार वे मंत्री बने तब अटल जी के मन में कोई बड़ा खासा डिपार्टमेंट देने का इरादा था। अंग्रेजी से भी वो कंफर्टेबल थे, साउथ को रिप्रेजेंट करते थे, तो अटल जी के मन में था कि उनको मंत्रिपरिषद में एक स्थान दिया। अब इनके कान पे लगा तो मैं उस समय महासचिव था, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मुझे ऐसे फंसा रहे हो। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा क्या करोगे आप, बोले मैं तो अटल जी को जाके बता दूंगा। मैंने कहा जरूर जाइए आप बताइए, और आप हैरान होंगे, उन्होंने अटल जी को जाकर आग्रह किया कि आप मुझे ऐसे बड़े बड़े कोई डिपार्टमेंट मत दीजिए, मुझे ग्रामीण विकास दीजिए, मैं उसमें अपनी जिंदगी खपाना चाहता हूं। यानी बड़े अच्छे तामझाम वाले जरा जिसमें एक सेलिब्रल वैल्यू होता है, उससे बाहर निकल करके मुझे ग्रामीण विकास चाहिए। वे स्वभाव से किसान है, वृत्ति और प्रवृत्ति से किसान है, किसान के लिए कुछ करना, किसान के लिए कुछ होना, ये उनके जहन में ऐसा भरा हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन भी ऐसे ही गुजारा है, और उसी का कारण है कि वो ग्रामीण विकास के अंदर रुचि ले। जैसे अरुण जी ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम के रूप में सब सरकारों ने चलाया, सभी सरकारों ने चलाया, और सभी एमपी के दिमाग में भी अगर सबसे पहली कोई मांग रहती है तो अपने इलाके में ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चाहिए, वो उसी के अलॉटमेंट चाहता है। एक समय था
रेलवे चाहिए, रेलवे का स्टॉपेज चाहिए, उससे बाहर निकल करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क चाहिए, ये सभी सांसदों के दिल दिमाग में भरना का अगर यश किसी को जाता है तो श्रीमान वेंकैया जी नायडू को जाता है। वैसा ही पानी, ग्रामीण जीवन में पानी, पेयजल, ये उनका बड़ा प्रतिबद्धता रही। उसके लिए वो अपना समय शक्ति खपाते रहते थे। आज भी सदन में ऐसे विषयों की चर्चा जब टल जाती है तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनको लगता है भाई विदेश नीति के संबंध में एक आध दिन अगर चर्चा नहीं भी हुई देखा जाएगा, लेकिन जब गांव की बात आती है, किसान की बात आती है, सदन में चर्चा तो करो क्या हो रहा है। यानी ये जो उनके भीतर अनइजीनेस पैदा होता है वो देश के सामान्य मानवीय की भलाई के लिए उनकी जो आशा आकांक्षा है उसके लिए है। वक्ता के रूप में जिन्होंने उनको तेलुगु भाषा में सुना होगा तो आप उनकी बोलने की स्पीड अपने आप को मैच ही नहीं कर सकते हो। आप ऐसा लग रहा है जैसे लोकल ट्रेन में बैठे हैं और वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस चला रहे हैं, इतना तेज बोलते हैं और विचार प्रवाह कहां से निकलता है देखते